क्या दीदी, आपने सारा पानी वेस्ट कर डाला। What do you mean वेस्ट? मैं ये पानी से नहाई, ये डस्टबिन में सारा दिन निकालने के बाद दिस वॉज नेसेसरी। पानी सबके लिए था। Are you nuts? इतना सा पानी सबके लिए? ईशांतों में इतनी भी अकल नहीं कि ज्यादा पानी लाना चाहिए। ये कहां से लाते हैं? क्यों, पूरी दुनिया में सूखा पड़ गया है क्या? कहीं पर पानी नहीं है? इन्होंने खुद आपके सामने कहा था कि एक कैन का 400 रुपया है। ओहो, तो ज्यादा पैसा देकर ज्यादा पानी ले आते, मैं पैसे दे देती। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक कैन से सब लोग नहाएंगे? इस इज सम काइंड ऑफ अ जोक आदि। शांत हो जाइए दीदी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं तो शांति हूँ, गलती तो शांतनु से हुई है। देखो आदि, बचपन से लेकर आज तक मुझे बाथ टब में गर्म पानी से स्नान करने की हैबिट है, लेकिन आज आज मैंने ठंडे पानी से स्नान किया। किसी को ये तक नहीं कहा कि गैस पे मुझे पानी गर्म करके दो। तेरी सैक्रिफाइस किसी को नहीं दिखती। पानी खत्म क्यों कर दिया, खत्म क्यों कर दिया? और अगर खत्म कर भी दिया तो क्या हो गया? हाँ, क्या कर लोगे? मुझे घर से निकाल दोगे? अरे निकाल दो, किसको रहना ये घर में? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भगते चली जाओ। एक्सक्यूज मी, झगड़ा तुमने शुरू किया, मैंने नहीं। मैंने क्या किया है? क्या किया है ये पूछ रही, इसने क्या किया है? अरे मुझे देखो, पसीने से लथपथ, आधी मुंबई की धूल मिट्टी अपने बदन पर, चेहरे पर, बालों में, यहां तक अपने अपने नाखूनों में लिए इस उम्मीद से बैठा हूं कि आधी बाल्टी क्यों ना हो, एक मग क्यों ना हो, मुझे पानी नसीब हो। अच्छा, तो तुम्हें तो क्या करना चाहिए था शांतु? तुम्हें तो एक कैन लेकर वो दूध वाले के पास जाना चाहिए था, जिसके पास वो छोटा नापने वाला कैन रहता है ना। ये लो तुम्हारे हिस्से का 10 मिलीलीटर, तुम्हारे हिस्से का 20 मिलीलीटर। मतलब गलती मानने के बजाय ये आगे किया जा रही है। ओ हेलो हेलो, मैंने तो गलती की नहीं है, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैंने क्या किया है? गलती तो तुमसे हुई है जो इतना सा पानी लेकर आए। गलती तो शादी की है, जिसकी वजह से आज मैं ये दिन देखना पड़ रहा है। शादी तेरे को कुछ नहीं बोलोगी? क्यों क्यों, हाँ सच कड़वा लग रहा है ना। पूनम, ये मत भूलना कि आज हम ये जो तकलीफें झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ एक है, ये आदि। आँखों का तारा हमसे तो जैसे रूठा बचपन हमारा, आंसुओं के लौसे सपने जलाए, समझा था जिन्हें अपना वही थे पराए। हौले हौले आया खुशियों का साया, छाई वो खुशी, गम भी मुस्कुराया। हाँ, हौले हौले आया। आप रो क्यों रहे हो पापा? नहीं तो झूठ बोल रहे हो पापा? कभी कभी रोना भी बहुत अच्छा होता है, उसे आंखें साफ रहती हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि बड़े लोग कभी रोते नहीं। मैं बड़ा कहाँ हूँ बेटा, मैं तो बहुत छोटा हो गया हूँ सबकी नजरों में, अपनी नजर में। मेरे एक फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनमोल ने मुझे सब बता दिया है पापा। क्या बता दिया? ये कि मेरे कहने से आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उसकी वजह से हमें अपना बड़ा घर छोड़कर इस छोटी सी बस्ती में आना पड़ा। पूनम बू आपसे कटती है और किरण चाची भी आपसे कटती है। राधा और गोपी को लेकर अभी बाहर बैठी है। सब मेरी वजह से हुआ ना, सॉरी पापा। अब फिर से अपना बिजनेस शुरू कर दो और हम वापस अपने नए घर में चले जाएंगे, फिर सबसे आपकी बट्टी हो जाएगी। ट्रस्ट योर पापा ना।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद है हमने वो कहानी पढ़ी थी, एक राजा और एक रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर एक राक्षस ने उन्हें श्राप दिया। उसके बाद उन्हें जिंदगी में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद एक राजकुमार उन्हें बचाने के लिए आया। उस राजकुमार ने उस राक्षस को खत्म कर दिया और फिर वो श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। And they all lived happily ever. अरे भैया आप, तुम तो बस यूं ही। अनमोल को देखा? पता नहीं वो। एक काम करो, जाकर ढूंढो उसे, वो कहीं किसी की टांग खींच रहा होगा। चलो चलो चलो, रन रन रन। ये बा। आप रोते हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पापा। प्लीज कोई और मेथड ढूंढ लो आंखें साफ करने का। आदि क्या कह रहा था देव? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आई एम सॉरी आदि, जो भी तमाशा अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ भैया, आपका गुस्सा जायज है। पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था मुझे। जैसा मैंने तुम्हें कहा था पहले कि एक पानी का कैन उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज हो गई थी जैसे मेरे लिए। क्या है कि हम जैसे लोगों के साथ, मतलब निकम्मे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, छोटी सी भी चीज हासिल कर लेते हैं ना तो ऐसे लगता है मानो बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। पूनम तो खैर पागल है ही, मैंने भी कोई खास समझदारी नहीं दिखाई। छोड़ो, पूनम से मैं बात कर लूंगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन। पूनम के साथ मेरे झगड़े वैसे चलते रहेंगे, हाँ वो बंद नहीं होने वाले, लेकिन पानी जैसी छोटी चीज पे नहीं होंगे। और हाँ, किन्नरी को भी मैं मना कर ले आऊंगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। इस जिंदगी में छोटी मोटी तकलीफें तो ही रहती हैं, मस्ती वालों के बर्ताव को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, बलराज फैमिली का दौलत नगर के नए घर में दाखिल होना, किन्नरी मामी ने की हड़ताल, किन्नरी मामी का राधा और गोपी को घर से बाहर लेकर धरना, और आज के खेल समाचार में द ग्रेट चैंपियन अनमोल ने दौलत नगर के सभी बच्चों के छक्के छुड़ा दिए हैं, उसने एक ही दिन में सारे कंचे जीत लिए। अनमोल अभी बड़बड़ बंद करो, मेरा सर दुख रहा है। हाँ तो चलते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्टर के पास अनमोल, जो इस वक्त बलराज फैमिली के नए घर में मौजूद है। ओवर टू अनमोल। थैंक यू अनमोल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं बलराज फैमिली के नए घर में हूँ, और अभी दिव्या मामी जो कि आम की पुरानी कैरेटों के साथ एक डाइनिंग टेबल बनाने की कोशिश कर रही है। तो आइए बात करते हैं दिव्या मामी से। हाँ तो दिव्या मामी, आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? अगर कुछ लोग बकबक बंद करे ना तो और अच्छा होगा। पर हमारे खास सूत्रों ने बताया कि आप इन आम की पुरानी कैरेटों से एक डाइनिंग टेबल बनाने की कोशिश कर रही है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपके सूत्र हमारी थोड़ी मदद करे तो ये काम और जल्दी हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये थी दिव्या मामी। क्या दिव्या मामी टेबल बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या इनके परिवार वाले इनकी कोशिश की तारीफ करेंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्यारा कर। अरे दिव्या मामी, आपने क्या किया, मेरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हमारे खास सूत्रों ने बताया है कि आपके टीवी स्टेशन की बत्ती गुल हो गई है। अब हमारी अगली मुलाकात होगी फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा। और चलिए आप मेरी मदद कीजिए, आइए। हाँ लेकिन मुझे करना क्या है? इस साड़ी को इसके ऊपर बिछाओ। ओके मामी। हम लोग ने डाइनिंग टेबल तो बना लिया, पर खाने का क्या? अरे खाना मैं लाया हूँ ना। पर कहाँ चले गए थे? भाभी भाभी मैं पानी लाने गया था, देखो लाया भी हूँ। आग बुझने के बाद फायर ब्रिगेड आई है। आग लगी? कहाँ लगी, कब लगी इस बस्ती में आग? कहीं नहीं लगी आग,
गौरव, ये पानी लाने में 4 घंटे लग गए, तुम कोई भी काम थोड़ी जिम्मेदारी के साथ क्यों नहीं कर सकते? आज पता है इस पानी की वजह से पूनम दीदी और शांतनु भैया एक दूसरे से लड़ पड़े। यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स है और अगर तुम थोड़ी जल्दी आ जाते तो। अभी ये पानी और खाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था और वो फिर मैं रास्ता भी भूल गया। तुम भूल गए, ऑटो वाला भूल गया। भाभी मैं चलकर आया गया। पैदल क्यों? वो भाभी अगर मैं ऑटो से जाता तो खाने के पैसे नहीं बचते। तो अभी हमें ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि गौरव मामा ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अकलमंदी का काम किया है। तो दिव्या मामी, आपका इस बारे में क्या कहना है? बोलो बोलो भाभी, मेरे बारे में बोलो ना। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, और करेंगे खाने की तैयारी। अनमोल जी, आप सबको जाके खबर दे दीजिए प्लीज। ओके। चलो 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 बच्चियों, खाना खाने चलो 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 राजा। अरे गोपी सो गई, चलो चलो। एक मिनट शांतनु भैया, कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? उनके घर। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, आप हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। देखो किन्नरी, मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, खाना ठंडा हो रहा है ना, चलो चलो। एक मिनट शांतनु भैया, आप मेरी बच्चियों को अंदर नहीं ले जा सकते। और कौन रोकेगा मुझे? ये मेरी लड़कियां हैं और इनके अच्छे बुरे का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और अगर तुम उनके बुरे का फैसला कर रही हो तो उसे सुधारने का हक मुझे है। जी नहीं, आपको कोई हक नहीं है। अगर मुझे कोई हक नहीं है तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है अपनी मनमानी करने। तुम अपनी बच्चों को खुश देखना चाहती हो ना? तुम्हें खुशी दिख रही है राधा के चेहरे पर? रह पाएंगी ये दोनों तुमसे, गौरव से दूर, देव और अनमोल से अलग होकर, हम सब से अलग होकर? तुमने पूछा इनसे कि इन्हें क्या चाहिए? बच्चे तो ना समझ होते हैं शांतनु भैया। हाँ, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। गोपी देखो, आज भी तुम्हारे गोद में ही सोती है। राधा का दिन नहीं निकलता जब तक वो आदि से कहानी ना सुने। अनमोल राधा को चाहे जितना भी तंग करे, लेकिन फिर भी राधा अपने चॉकलेट में से एक छोटा सा हिस्सा जरूर उसके लिए निकाल के रखती है। तुम्हें याद है किन्नरी, जब हमारी पूरी फैमिली अलीबाग गई थी पिकनिक मनाने, तब हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बेवकूफ बनाया था। ना ढंग का खाना मिला, ना ढंग का रिजॉर्ट मिला, रात भर बिजली नहीं थी। हमारे पास जो ब्रेड थी ना, उसे सेंक कर हमने खाना खाया था। याद है पूरी रात हमने बरामदे में बाहर बैठ कर अंताक्षरी खेल कर काटी थी, और हम दोनों एक ही टीम में थे और आखिर में हम ही जीते थे। याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। तो यूं समझ लो कि हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें फिर एक बार बेवकूफ बनाया है, लेकिन हमें हमारी पिकनिक किसी भी हालत में एंजॉय करनी है, एक साथ। जिंदगी पिकनिक नहीं होती शांतनु भैया, वहां एक रात की बात थी और यहाँ तो इस बार कुछ हजार रातें होंगी, लेकिन हम सब अगर साथ होंगे ये भी हंसते खेलते बीत जाएंगे। और इस बार भी मुझे हारना नहीं है तुम्हें, मुझे जीतना है। लेकिन तुम मेरी टीम में नहीं रहोगी, मैं कैसे जीत सकता हूं? आओगी मेरी टीम में, दोगी मेरा साथ? प्लीज। चलो 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 बच्चियों, वेलकम किन्नरी। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। शाबाश। आज पहली बार हम सब लोग डिनर पर एक साथ बैठे, और उस घर में दिनों दिनों तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे। लेट्स स्टार्ट। इस खुशी के मौके पर देयर शुड बी अ टोस्ट, है ना? यस। और आज का ये जश्न हम एप्पल ड्रिंक के साथ मनाएंगे। यस। कल दिवाली है,
और दिवाली से पहले मैंने आप सब लोगों को गहरे अंधेरे में ढकेल दिया है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। हम सब इसी तरह साथ रहे तो जिंदगी का ये जो कठिनाई भरा सफर है आसानी से कट जाएगा। और हमारा ये छोटा सा घर हमारा महल है, आवर पैलेस, दिस इज आवर बलराज पैलेस। यस एंड थ्री चीयर्स टू बलराज पैलेस। बलराज पैलेस बनाएंगे? अरे हाँ, वहाँ हम अपने कानों से सुने हैं और अपनी आंखों से देखे। अरे वहाँ तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिए हैं, शराब बह रही है शराब। ठाकुर जी थोड़ा धीरे बोलिए, वो भीमा सुन लेगा तो दौड़ा चला जाएगा उधर। देखा, हमारी चौल तुड़वा के वो यहाँ पर बलराज पैलेस बनाएंगे। हाँ, सुबह जो भाई दुकान पे आई थी वो भी ऐसे ही कुछ बोल रही थी। खुल्लम खुल्ला चैलेंज। नहीं जनाब, हमका तो वो लोग भले लगे। तो चुप कर, एक हमका छोड़ के बाकी तो को सब भले लगते हैं। यादव सुनने दोनों क्या कह रही है, बोली बोली। अच्छा तो आपको भी ई का बात सुनना बहुत जरूरी है, और हम जो इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूँ उनका कोई फिक्र नहीं है आपको। अरे देख ठोंगा टान बहुत चबर चबर कर रही। चल। अरे यादव तुम वॉकफोन की तरह क्यों चल रहे हो? अरे यहाँ पर पहले ही विदेशी ताकतों ने हम पर हमला कर रखा और तुम हो के घर का रोना लेके बैठे हो। एक बात बताऊँ, ये लोग है ना सचमुच बहुत अमीर है। भाई सुबह आई थी दुकान से वो बड़ा सा गोल वाला दिवाली का साबुन लेके गई। मैंने साल से बस्ती में से किसी ने इतना महंगा साबुन नहीं खरीदा था। अरे हाँ, ये दिवाली की चर्चा तो हम भी अपने कानों से सुने हैं। और आप देखना, इनका दिवाली और हमारा दिवाला ये बात तय है जनाब भाव। कैसे करेंगे हमारा दिवाला? मतलब भाभी दुलारी भाभी इधर आई। अरे सुनिए, राम दुलारी भाभी कहिए, दुलारी खाली सिर्फ हम कहता हूँ। अरे माफ करना, टान के बात कर सुन। हाँ। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे हमने कोई चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी है। लेकिन हमने तो पहन रखी है। क्या कर रही है? अरे माफ करना भाभी, मैं तो कहावत कह रहा था। सुनो, इनकी दिवाली का दिवाला निकालने का आइडिया।